नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ इस टेक्निकल चैनल का स्वागत करता हूं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नए छात्र की मैपिंग कैसे करना, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, या फिर पुराने जो बच्चे हैं उनको आगे की क्लास में कैसे प्रमोट करना है ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना होगा शिक्षा पोर्टल। आप शिक्षा पोर्टल लिख के उस पर क्लिक करेंगे और आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है अपना और कैप्चा कोड फिल कर देना है और आपको लॉगिन कर लेना है। मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल से ही आप मैपिंग कर सकते हैं किसी भी छात्र की। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका सर्वर कभी कभी जब ज्यादा काम रहता है थोड़ा सा बिजी रहता है तो थोड़ा स्लो काम करता है। जैसे ही आपका लॉगिन होगा तो इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको जाना है नीचे, स्क्रॉल करना है, एडमिशन मैनेजमेंट पे जाना है। कहाँ जाना है? एडमिशन मैनेजमेंट पे। अगर आप चाहें तो ऊपर मेन मेन्यू पे क्लिक करें, वहाँ पर भी आपको एडमिशन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप दोनों में से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक करने के बाद आपको एडमिशन मैनेजमेंट पे जाना है। न्यू क्लास में लिखा हुआ है, न्यू एडमिशन पे क्लिक करना है। अगर पुराना है तो प्रमोट पे क्लिक करना है। एकेडमिक ईयर डालना है, जो भी एकेडमिक ईयर होगी। बच्चे की समग्र आईडी डालना है, जो भी उसकी समग्र आईडी होगी। समग्र आईडी डालने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है और आपको सो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएगी, बच्चे का नाम, फादर नेम, फीमेल मेल, जो भी डी ओ भी। यहाँ पे आप अपने स्कूल का डाइस कोड डालेंगे। अब स्कूल का जो भी डाइस कोड है आपके स्कूल का, वो आप डाइस कोड डाल दीजिएगा और डाइस कोड डाल के सो स्कूल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू स्कूल नेम आ जाए, जो आपके स्कूल उसका नाम आ जाएगा, कौन सी क्लास में एडमिशन दे रहे हैं वो आ जाएगा, लास्ट रिजल्ट का था, पास फेल परसेंटेज डालने रहेंगे और आपके जो भी स्कॉलर नंबर आप देना चाहेंगे आपके स्कूल में जो होगा वो आप यहाँ पे स्कॉलर नंबर डाल के कैप्चा फिल करेंगे और एडमिट स्टूडेंट इन दी स्कूल वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा चाइल्ड इनरोलमेंट इन स्कूल इज सक्सेसफुल, मतलब ये है कि आपका चाइल्ड इनरोलमेंट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप नए बच्चे का इनरोलमेंट कर सकते हैं और अगर आप प्रमोट क्लास पर क्लिक करके आप और पुराने बच्चे को नई क्लास में भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।